हेलो लर्नर्स, दिस इज मैक्स शर्मा हियर, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में। अभी तक हम जो है समझ चुके हैं वर्क डन, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी है, मोड्स फ्री एनर्जी, और आज समझेंगे एंथैल्पी वाले कांसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी के साथ। एंथैल्पी को डिफाइन करने का सबसे ईजी तरीका है, इट इज नथिंग एल्स बट सम ऑफ इंटरनल एनर्जी of the system and product of pressure and volume। इसको डिस्क्राइब करने का सबसे सिंपल तरीका यही है। इवन इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है H is equals to U plus P और साथ में आ गया, तो ये आपके पास आता है एंथैल्पी का फॉर्म। और इस तरीके से हम एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, ये बहुत सिंपल चीज। अब हम जब एंथैल्पी को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, इसके बाद आते हैं एक सिंपल से पॉइंट पे। जब हमने एंथैल्पी को इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास आ जाता है कि एंथैल्पी आखिर है क्या। हमने यहाँ पे बोला तो सही कि वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वाली एनर्जी का सम है। तो दूसरा तरीका है एंथैल्पी को डिफाइन करने का, इट इज नथिंग एल्स बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास होती है एंथैल्पी। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक सिस्टम, उस सिस्टम से हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, उससे बाहर हीट कैसे निकाली जा सकती है, या फिर कहा जाए उससे बाहर एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है। तो उसके दो तरीके, एनर्जी को बाहर निकालने के दो तरीके या फिर उससे एनर्जी कंज्यूम करवाने के दो तरीके, पहला है हीट और दूसरा है वर्क। एक सिस्टम हीट की फॉर्म में एनर्जी दे भी सकता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी ले भी सकता है। एक सिस्टम अपने ऊपर वर्क करवा के एनर्जी ले भी सकता है और स्टोर भी कर सकता है, और इसी तरीके से एक से वर्क करके अपनी एनर्जी कंज्यूम भी कर सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं एक सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकालने, ये दो तरीके। अब इन दोनों तरीकों को मिलाकर हम लिख लेते हैं, हमारे पास एक है हीट और एक है वर्क। ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं मेरे पास टोटल एनर्जी चेंज, या तो मेरे पास वर्क डन आएगा कुछ ना कुछ, या फिर हीट ट्रांसफर्ड आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे पास आइडिया जो है देते हैं टोटल एनर्जी चेंज का, और वो हम रेफर करते हैं डेल्टा एच के साथ। डेल्टा एच इज नथिंग एल्स बट इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है प्लस पी डीवी। अब इस बात से हमें पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आने का मतलब है, एंथैल्पी में चेंज आने का मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंज आना, साथ में वॉल्यूम में चेंज आना अंडर सम कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको अगर बात को बोला जाए तो कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक सिस्टम था, उस सिस्टम के इंटरनल जितनी एनर्जी थी, पहले तो वो एनर्जी और फिर उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एनर्जी, ये दो एनर्जीज को कोरेस्पोंड करते हुए जो हमारे पास एनर्जी आती है वो है हमारे पास टोटल एनर्जी। और जब हमारे पास टोटल एनर्जी चेंज होती है तो उसमें भी दो एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन होता है। पहली होती है इंटरनल एनर्जी, यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज से कोई भी काम करवाना है, कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, कोई भी मेरे पास बॉक्स है, बॉक्स के बीच में कुछ ना कुछ गैस है, इससे मुझे कुछ ना कुछ काम करवाना है, तो काम करवाना है तो वो कैसे होगा, या तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगी यानी कि अंदर के बॉन्ड टूटेंगे या बिखरेंगे, इससे होगा, या फिर जो है वॉल्यूम में चेंज आए। तो ये दोनों जो है मेरे पास चेंजेस, या तो मैकेनिकल वर्क होगा या फिर इंटरनल एनर्जी में वर्क होगा, यानी कि बॉन्ड बिखर सकते हैं, बॉन्ड टूट सकते हैं, बॉन्ड वापस जुड़ सकते हैं, ऐसे काइंड का वर्क डन जो है हमारे पास एसोसिएट। सो इस कंसेप्ट को बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का पूरा मतलब यही है कि सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी है, और एंथैल्पी में चेंज का मतलब यह है कि टोटल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, उसमें आपके पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्लूडेड है, मैकेनिकल एनर्जी भी इंक्लूडेड। तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट एंथैल्पी। सो दिस इज इट फॉर नाउ गाइज, थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।